सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज योर होस्ट साइनिंग इन 99 डेडलाइन। तो आज इस वीडियो के अंदर गाइस हम स्पेशली डूरंड कप 2022 का क्वार्टर फाइनल्स यानी कि नॉकआउट स्टेज के साथ कुछ ट्रांसफर अपडेट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। First one more thing, then we start the video. So One Football is an application where you can get all news about your favorite national team and favorite club. Watch live telecast and highlights of all matches along with world and European football. You will also get Indian football news and transfer updates. Also here you will get the information about your favorite footballer, match results and live score. So if you are interested in football, then definitely download the One Football application for free. Link is in the description. So go and download the One Football एप्लीकेशन। तो ड्यूरंड कप 2022 चार ग्रुप से आठ टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। ग्रुप ए से मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के साथ बेंगलुरु एफसी, ग्रुप बी से मुंबई सिटी एफसी एंड राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, ग्रुप सी से चेन्नई एफसी और हैदराबाद एफसी एंड ग्रुप डी से ओडिशा एफसी के साथ केरला ब्लास्टर्स एफसी। तो इन्हीं आठ टीमों के बीच गए इस बार ड्यूरंड कप 2022 का क्वार्टर फाइनल कोलकाता में खेला जाएगा, जहां पर क्वार्टर फाइनल वन में मोहम्मदन एफसी का सामना है केरला ब्लास्टर्स एफसी के साथ युवा भारती क्रियांगन में 9 सितंबर फ्राइडे को। क्वार्टर फाइनल टू खेला जाएगा 10 सितंबर को किशोर भारती क्रियांगन में ओडिशा एफसी वर्सेस बेंगलुरु एफसी के बीच। क्वार्टर फाइनल थ्री मुंबई सिटी एफसी वर्सेस चेन्नई एफसी 11 सितंबर युवा भारती क्रियांगन और क्वार्टर फाइनल फोर खेला जाएगा हैदराबाद एफसी वर्सेस राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के बीच 12 सितंबर को किशोर भारती क्रियांगन में। और इन चारों ही क्वार्टर फाइनल मैचेस का किक ऑफ गई 6 पीएम से ही होने वाले हैं। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कुछ ट्रांसफर अपडेट्स के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने गई यहां पर 36 इयर्स ओल्ड फॉर्मर डेनिश इंटरनेशनल सेंटर बैक माइकल जैकोबसन का साइनिंग ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है, जो ऑलरेडी गुवाहाटी में अराइव हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे से ही वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। तो इनके करियर स्टैट्स के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। डेनमार्क फास्टर लीग के अंदर इन्होंने 200 से भी ज्यादा मैचेस खेल चुका है। इवन नेदरलैंड एंड नॉर्वेजियन फास्टर लीग के अंदर भी इन्होंने खेला है। स्पेनिश ला लीगा एंड ला लीगा 2 के अंदर भी इन्होंने यूडी अल्मेरिया जैसे क्लबों को रिप्रेजेंट किया था। यूएफए चैंपियंस लीग एंड यूरोपा लीग के अंदर भी खेला है। एडिलेड यूनाइटेड एंड मेलबोर्न सिटी जैसे क्लबों के लिए भी इनके पास ऑस्ट्रेलियन ए लीग में 120 मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस है। साथ में डेनमार्क नेशनल टीम के लिए भी इन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर एंड इंटरनेशनल फ्रेंडलीज के अंदर 6 मैचेस खेला है। उसके बाद गाइस अगर फेडरिको गैलेगो के बारे में बात किया जाए, तो अकॉर्डिंग टू अपडेट्स फेडरिको गैलेगो उनका पुराना क्लब साउथ अमेरिका में ज्वाइन करने वाले हैं, जिनके साथ उन्होंने अपने क्लब करियर का शुरुआत किया था। साउथ अमेरिका का अंडर 19 से लेकर सीनियर टीम के लिए भी इन्होंने उरुग्वेन टॉप टायर लीग के अंदर खेला है और अपने पूरे क्लब करियर के अंदर गाइस सबसे ज्यादा 112 मैचेस फेडरिको गैलेगो साउथ अमेरिका के लिए ही खेला है। और यहां पर गाइस अब कुछ अपडेट्स के मुताबिक साउथ अमेरिका में फेडरिको गैलेगो का कमबैक हुआ है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि इन फ्यूचर इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको हमारे इस चैनल पर जानने के लिए मिल जाए।